निगम में रिक्वेस्ट करे वो नहीं सुनते, वो मत अंजन खड़ा रहा 20-25 दिन यहाँ, अनिस है सुपरवाइजर वो भी ना सुनते जी, कोई भी ना सुनता। आती याद रख भाई, जब पब्लिक हमारे साथ रहेगी तो जब भी तो काम चलेगा, पब्लिक की तो यहाँ ऐसी मरी पड़ी है यार, बताओ क्या कर रहे हैं, सब बेकार है। नमस्कार, परिचय है दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर सड्डा। यहाँ पे टंकी के नीचे खड़े हैं, कुंडा गांव है, विधानसभा मेरठ दक्षिण है, जिला मेरठ है। पहुँच चुके मेरठ में, देखते हैं पहुँचने पहुँचे कि गांव की समस्या क्या है और मेरठ के लोग क्या सोचते हैं, लेकिन पता चला कि गांव में ही समस्याएं ज़्यादा है। ये नीचे पानी देखिए पूरी तरह से सड़ चुका है, नाली की पानी है, बदबू आ रहा है और ऊपर टंकी है जिस जहाँ से घरों में पानी, साफ पानी जाता है। लोगों से यहाँ से बात किए तो पता चला कि इस पानी से कभी कभी कीड़े भी निकलते हैं, लोगों को टोटी जब खोलते हैं तो कीड़े भी निकलते हैं। पास के जो यहाँ का माहौल है आप देख सकते हैं, कितना गंदगी से पूरा भरा हुआ है। अब पानी लोग कैसे करते हैं, विधायक क्या कर रहे हैं, पार्षद क्या कर रहे हैं, सांसद क्या कर रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष जो भी हैं उनसे भी सवाल जवाब तो होगा ही। पहले बात करते हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनसे, क्या कहते हैं, क्या बता रहे हैं इसके बारे में। हाँ, गरीब आदमी है, इनकी जो है कहावत आगे तक नहीं है। हाँ। भाई हम तो पार्षद वो हमारा नहीं सुनता, और भैया ये मेयर तक ये नहीं जाते, किसी के वहाँ कोई जाता नहीं आता नहीं, क्या करा जा। पानी लिकटवाने के लिए निगम में रिक्वेस्ट करे वो नहीं सुनते, वो मत अंजन खड़ा रहा 20-25 दिन यहाँ, अनिस है सुपरवाइजर वो भी ना सुनते जी, कोई भी ना सुनता, सब लताड़ मार रहे हैं। पानी का लिकाट नहीं है हमारी कॉलोनी का, ये कब से है ये रेगुलर ही भर रहा, कई साल से भर रहा है, ना कोई जेई सुनता है ना कोई सुनता इसका, तो भैया यही है काम, क्या करा जावे भाई। एक के तो मायूस आदमी है, पानी भर रहा पजामा अपने ऊपर को करा लिकड़ गए, सबके पैरों की उंगली बेकार हो रही है, सबके पैर बेकार हुए पड़े, अब क्या करे। नहीं भाई हालत बेकार है हेक की। अब हेक का तो समाधान जब हो सका है जी, इन्हें जहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ और करवाओ काम। बात करते हैं जो यहाँ के अभी डीएम हैं उनसे नंबर निकालते हैं, जो विधायक नंबर है उनके पास उनसे बात करते हैं। मेयर भी हमारी छोटी पार्टी से ही है, कोई बड़ी से भी ना है भाई, जो सुनीता वर्मा है भाई छोटी पार्टी की है, मगर उसे भी हमारी हित की नहीं आती याद रख भाई, जब पब्लिक हमारे साथ रहेगी तो जब भी तो काम चलेगा, पब्लिक की तो यहाँ ऐसी मरी पड़ी है यार, बताओ क्या कर रहे हैं, सब बेकार है, सब बेकार। मजा भाई पानी का लिकार्ड हो वे थोड़ा, यहाँ से नाला बना वहां तक, टुकड़े टुकड़े में नाले हो रहे हैं, कोई बनवाता नहीं, कौन कह वे पुलिया बंद है अजी, नहीं पुल मैंने बात करी नगर आयुक्त के नीचे, वो नुकर है जी पुलिया आगे बनेगी, यू पुलिया बंद है तुम्हारी, ठीक हाँ तो जो भी है जी वो होगा। अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, बार बार हम आपको बता रहे हैं और इस पे ट्वीट भी कर सकते हैं आप लोग, जो समस्या है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ट्वीट करिए डीएम मेरठ और जो यहाँ के जो भी विधायक जो हैं उनसे बात करिए। अलका हम खुद जा रहे हैं, बात करेंगे उनसे, एक बार विधायक से बात करेंगे कि समस्याओं पे समाधान हो। अब जो पार्षद बोल रहे हैं कि हमने वोट खरीदा है तो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, सीधे विधायक सांसद और डीएम से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सफाई है स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना रहा है जिसमें बेकार है, जो लोग बोलते हैं कि क्योंकि ग्राउंड पे वो दिख रहा है एकदम बेकार है, यहाँ से मच्छर पैदा होते होंगे, 10 बीमारियाँ होती होंगी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो डेंगू है वो जो उसका केस है, बीमारी का केस वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना रहा है वो नीचे हमेशा गिरता रहा है, जो ग्राउंड पे हमें दिख रहा है। इस कुंडा बस्ती गाँव में है यहाँ पे जो समस्या है, ये यहाँ पे सिर्फ एक ही गली में समस्या नहीं है, और भी जितनी भी गलियाँ हैं सबके रोड ऐसे टूट, पूरी कॉलोनी हाँ पूरी टूटी हुई है, समस्या यही है। तो आप भी हमारे साथ रहिए और हम आपकी समस्याओं पर समाधान भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।